हेलो दोस्तों, आज आपको ये वीडियो के अंदर जो प्रॉब्लम रिपेयर करके देखूंगा कि ये जो चैसिस है और ये जो टीवी है ये बीपीएल कंपनी का, ठीक है। और ये जो प्रॉब्लम, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये टीवी रेडी हो गया था, इसका अलग सा प्रॉब्लम था और ये अचानक ये स्टैंड बाई मोड पर चला गया, ये टीवी ऑन नहीं हो रहा है। तो दोस्तों क्यों ऑन नहीं हो रहा है आपको ये वीडियो के अंदर बहुत क्लियर करके समझने के लिए मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ये पीसीबी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, डिटेल्स दिखाऊंगा। तो देखिए, ये जो चैसिस का अंदर ESD है, इसका ये जो प्लस बी जो पॉइंट है यहाँ पर, ये ESD सप्लाई है और इसका एक नंबर पिन, इसका एच आउटपुट का जो मिडिल पिन कलेक्टर पिन का साथ कनेक्शन है दोस्तों। ये 3 नंबर पिन ओपन है, 4 नंबर पिन दोस्तों ये वीडियो लिखा है, मतलब 180 वोल्ट का जो लाइन है, बाकी ये लाइन ओपन है, ये लाइन के साथ कुछ भी कनेक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये लाइन को अलग तरीके से कनेक्शन किया गया है। देखिए जो प्लस बी लाइन है, ये प्लस बी लाइन का साथ अलग सा एक लाइन, ठीक है दोस्तों, प्लस बी लाइन का साथ अलग सा लाइन, यहाँ से दोस्तों ये जो 180 वोल्ट लाइन यहाँ पर कनेक्शन दिया गया है, ठीक है। तो दोस्तों ESD सप्लाई जितना होगा, ESD ऑन होने का बाद भी सेमी वोल्ट यहाँ पर मिलेगा, यही से इसका बेस बोर्ड का अंदर सप्लाई आएगा। ये एक बात हो गया, मतलब ESD ऑन होने का बाद आप यहाँ पर वोल्टेज चेक करके इसका आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो। बट दोस्तों ये ABL लाइन है, ठीक है, ये लाइन ओपन है, ये ABL लाइन है और ये ABL लाइन है और दोस्तों ये ओपन पिन है और ये हीटर पिन है। तो दोस्तों ये हीटर वोल्ट ESD ऑन होने का बाद आप हीटर वोल्ट AC 4-5 वोल्ट का आसपास आप चेक कर सकते हो यहाँ पर। बट दोस्तों जो डिजिटल मल्टीमीटर मार्केट का अंदर बहुत कुछ डिजिटल मल्टीमीटर देखा जाता है, सभी मीटर का अंदर AC वोल्ट नहीं देखा जाता है, नहीं शो होता है, ठीक है। ये एक बात हो गया। तो दोस्तों और ये नेगेटिव पिन है इसका लास्ट पिन, और ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर और लास्ट नंबर पिन ये नेगेटिव पिन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नेगेटिव पिन है, ठीक है दोस्तों। और इसका जो वर्टिकल IC 78040 वर्टिकल IC है। तो दोस्तों बहुत PCB के अंदर देखा जाता है कि सप्लाई देने का बाद और स्टैंड बाई से ऑन करने का बाद, स्टैंड बाई ऑन होने का साथ साथ तो दोस्तों फिर भी स्टैंड बाई मोड पर चला जाता है, इसी तरह इसका एक प्रॉब्लम है, ठीक है। आपको ये चैसिस का कुछ इंपॉर्टेंट वोल्टेज फर्स्ट आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए। चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ, देखिए मैं सप्लाई दे दिया, सप्लाई देने का बाद तो दोस्तों आपको दिखाना चाहता हूँ स्क्रीन का अंदर, देखिए लाइट नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। और इसका ESD जो सप्लाई है, ESD सप्लाई आप देख सकते हो 112 वोल्ट, ठीक है। और ये जो सप्लाई या आउटपुट ट्रांजिस्टर पर भी जा रहा है, देखिए 112 वोल्ट। और कि ये जो वर्टिकल IC का जो सप्लाई, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वर्टिकल IC का सप्लाई यह भी 7 वोल्ट शो हो रहा है, और जो मेन सप्लाई यहाँ पर जो आना चाहिए, यहाँ पर दोस्तों कुछ भी वोल्टेज नहीं है। ये वर्टिकल का जो मेन सप्लाई, ये जो 2 नंबर पिन पर जो सप्लाई आना चाहिए, यहाँ पर कुछ भी सप्लाई नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों इसका अंदर डायरेक्ट ये पावर सप्लाई से सप्लाई नहीं आता है, ये जो सप्लाई आता है यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर के जो मिडिल पिन, ये मिडिल पिन पर कुछ भी वोल्टेज नहीं है, ये मिडिल पिन से सप्लाई आउटपुट होता है। और ये ट्रांजिस्टर का एक साइड, तो दोस्तों ये साइड 22 वोल्ट है, आप देख सकते हो, ठीक है, 22 वोल्ट है ट्रांजिस्टर का ये साइड दोस्तों, 22 वोल्ट है, आप देख सकते हो। तो दोस्तों ये स्टैंड बाई मोड पर है, स्टैंड बाई ऑन करने के बाद इसका मिडिल पिन पर एक सप्लाई आएगा, ये सप्लाई बीच में ये जो जम्पर है, ये जम्पर से ये वर्टिकल IC का 2 नंबर पिन पर आएगा, ठीक है, यहाँ पर सप्लाई नहीं है। और दोस्तों स्टैंड बाई ऑन होने के बाद तब यहाँ पर वोल्टेज आएगा, और ये जो लाइन जा रहा है ये लाइन, तो दोस्तों डायरेक्ट ये जो डाइवर्ट ट्रांसफार्मर है, ये डाइवर्ट ट्रांसफार्मर पर भी वोल्टेज आता है, अभी यहाँ पर भी कुछ भी वोल्टेज नहीं है, ये डाइवर्ट ट्रांसफार्मर है, ये साइड भी आप देख सकते हो कुछ भी वोल्टेज नहीं है, ये डाइवर्ट ट्रांसफार्मर है, ठीक है। बट इसका जो ट्यूनर पॉइंट पर जो वोल्टेज देखिए 33 वोल्ट प्रेजेंट है, और ट्यूनर पर जो
5 वोल्ट आना चाहिए, यहाँ पर 5 वोल्ट भी प्रेजेंट है, ठीक है। इसका सब कुछ वोल्ट ओके है, यहाँ पर एक रेगुलेटर आईसी है, यहाँ पर अभी कुछ भी वोल्टेज नहीं है, ठीक है। और इसका मिडिल पिन पर दोस्तों 9 वोल्ट प्रेजेंट है, ठीक है। और इसका ये साइड कुछ भी वोल्टेज नहीं है। तो आपको कुछ वोल्टेज चेक करके देखूंगा कि स्टैंड बाई मोड पर क्यों चला जाता है सप्लाई। तो कैमरा थोड़ा सेट करना पड़ेगा, चलिए मैं कैमरा सेट करके आपका एक बार दिखाना चाहता हूँ। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा कैमरा को मैं सेट किया क्योंकि मैं एक हाथ से आपको दिखाना पड़ेगा और एक हाथ से मीटर कॉर्ड को पकड़ना पड़ेगा। चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। देखिए सप्लाई दे दिया और यहाँ पर जो मीटर है, मीटर पर आप एक बार ध्यान दीजिए क्योंकि मीटर देख के आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, नहीं तो ये आइडेंटिफाई नहीं होगा, ठीक है। मीटर पर आप ध्यान दीजिए, मैं आपको देखूंगा। देखिए अभी ये जो ट्रांजिस्टर का मिडिल पिन, यहाँ पर कुछ भी वोल्टेज नहीं है और इसका ये साइड देखिए 22 वोल्ट है और ये साइड भी 22 वोल्ट है। कभी कभी क्या होता है, जब सप्लाई स्टैंड बाई से ऑन करने का बाद जब फिर भी स्टैंड बाई पर चला जाता है, कुछ ना कुछ शॉर्ट देखा जाता है। हो सकता है ये भाटी वाला आईसी शॉर्ट, हो सकता है साउंड आईसी शॉर्ट, हो सकता है आउटपुट ट्रांजिस्टर शॉर्ट, इसी तरह कुछ ना कुछ सिम्टम देखा जाता है। चेक करने के बाद पता चलता है। बात दोस्तों, इसका ये जो वर्टिकल आईसी, ये आईसी को ओपन करने का बाद सेट ऑन हो जाता है। जब वर्टिकल आईसी को मैं कनेक्शन कर देता हूँ तो दोस्तों सेट फिर भी स्टैंड बाई पर चला जाता है और इसका जो ये सप्लाई वोल्ट, ये ड्रॉप हो जाता है। अभी दोस्तों इसका सप्लाई वोल्ट नहीं है। चलिए मैं स्टैंड बाई से ऑन करके आपको दिखाता हूँ, आप फॉलो कीजिए। देखिए मैं स्टैंड बाई से ऑन कर रहा हूँ और मीटर पर फॉलो कीजिए। देखिए ये जो वोल्ट आ गया स्टैंड बाई ऑन होने के बाद, ये तुरंत ड्रॉप हो गया। ये एक सिम्टम है, ये जो वर्टिकल सप्लाई का जो वोल्टेज है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अभी वोल्टेज नहीं है, तो आपको फिर भी स्टैंड बाई ऑन करके दिखाता हूँ। देखिए देखिए स्टैंड बाई जब ऑन किया, वर्टिकल आईसी पर सप्लाई आ गया और तुरंत वो स्टैंड बाई मोड पर चला जाता है। ये एक सिम्टम है। और दूसरा जो सिम्टम है, यहाँ पर डाइवर कॉयल है, डाइवर जो ट्रांसफार्मर, डाइवर ट्रांसफार्मर पर वोल्टेज नहीं आएगा तो स्टैंड बाई से ऑन नहीं होगा, ठीक है। ये जो डाइवर ट्रांसफार्मर का पॉइंट है, अब मीटर पर ध्यान दीजिए। चलिए मैं लाइट ऑन कर दिया। ये डाइवर ट्रांसफार्मर पर मैं मीटर को रख के आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए मैं स्टैंड बाई से ऑन कर रहा हूँ बॉटम स्विच से। देखिए देखिए वोल्टेज आ गया स्टैंड बाई ऑन करने के बाद, फिर भी ये तुरंत स्टैंड बाई मोड पर चला गया। तो दोस्तों यही इसका प्रॉब्लम है, मतलब सेट ऑन नहीं हो रहा है। जितना बार मैं ऑन करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ वो तुरंत स्टैंड बाई पर चला जाता है, इसी तरह इसका प्रॉब्लम है। तो चलिए मैं सप्लाई को ऑफ करके आपको इसी टाइम जो देखाऊंगा कि आपको बताया कि साउंड सेक्शन शॉर्ट होगा तो साउंड आईसी को ओपन करके आप देख सकते हो, वर्टिकल आईसी शॉर्ट होगा तो वर्टिकल आईसी को ओपन करके भी आप चेक कर सकते हो। तो दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि ये वर्टिकल आईसी ओपन करने के बाद सेट ऑन हो जाता है, ठीक है। तो जब मैं न्यू आईसी लगाता हूँ, न्यू आईसी लगाने के बाद फिर भी ये स्टैंड बाई मोड पर चला जाता है, इसी तरह इसका प्रॉब्लम है। तो अभी मैं किस तरह ये प्रॉब्लम को आपको रिपेयर करके देखाऊंगा। देखिए कुछ भी एक पिन लाइन शॉर्ट हो सकता है। बात दोस्तों, मैं नेगेटिव के साथ एक एक पिन को चेक किया, कुछ भी शॉर्टिंग पता नहीं चला, ठीक है, कुछ भी शॉर्टिंग पता नहीं चला। तो इसीलिए आप क्या कर सकते हो, एक एक पिन को ओपन करके भी आप देख सकते हो। ये वर्टिकल आईसी का एक एक पिन को ओपन करके आप देख सकते हो। तो इसीलिए दोस्तों आपको दिखाना चाहता हूँ, फर्स्ट नंबर ये जो एक नंबर जो पिन है, ये एक नंबर पिन कनेक्शन मेन प्रोसेसर आईसी का साथ है। तो इसीलिए एक नंबर पिन को मैं ओपन कर देता हूँ, आपका सामने मैं लाइव करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों इसी तरह एक प्रॉब्लम का ऊपर एक व्यूअर्स ने मुझे को फ़ोन किया और बताया। तो दोस्तों इसी तरह सेम प्रॉब्लम मेरे पास आ गया, ठीक है। तो ये वीडियो लास्ट तक वॉच कीजिए, पूरा अलग सा ये फॉल्ट है। न्यू टेक्नीशियन होगा तो अलग सा नॉलेज मिल जाएगा। देखिए मैं ये जो एक नंबर पिन को मैं ऑनली ओपन कर दिया, एक नंबर पिन को मैं पूरा ओपन कर दिया, ठीक है। ओपन करने का बाद
अब देखिए क्या इसका सिम्टम आता है, क्योंकि ये जो एग नंबर पिन, देखिए चलिए सप्लाई देके दिखाता हूँ। देखिए मैं सप्लाई दे दिया, देने के बाद इसका दो नंबर पिन पर जो सप्लाई आना चाहिए, अभी देखिए सप्लाई नहीं है क्योंकि ये स्टैंड बाई मोड पर है। चलिए मैं स्टैंड बाई ऑन करके दिखाता हूँ। देखिए स्टैंड बाई ऑन किया, एक नंबर पिन पर सप्लाई आ गया। अब देख सकते हो, मीटर पर फॉलो कर सकते हो, सप्लाई आ गया। अभी देखिए ये स्टैंड बाई मोड पर नहीं जा रहा है। आप अच्छा करके देखिए, स्टैंड बाई मोड पर नहीं जा रहा है और इसका मिडिल जो डार्ट रहता है, यहाँ पर सप्लाई आप देख सकते हो मीटर पर 17.5 वोल्ट, और यहाँ पर सप्लाई देखिए इसी तरह वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। और ये जो एक रेगुलेटर आईसी है दोस्तों, ट्रांजिस्टर जैसा, यहाँ पर देखिए ये पॉइंट से मिडिल पिन से ये वर्टिकल सप्लाई जाता है, और इसका ये साइड देखिए वोल्टेज थोड़ा डाउन हो गया और ये साइड भी वोल्टेज थोड़ा डाउन हो गया। ये प्रॉपर ऑन कंडीशन पर है, ठीक है। और ड्राइवर पर जो वोल्टेज ड्रॉप हो गया था, अब अभी इसी टाइम देखिए ड्राइवर पर वोल्टेज ये कांस्टेंट है, 12 वोल्ट है। आप चलिए मीटर पर एक बार देख लीजिए, ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर जो ड्राइवर कॉइल है, यहाँ पर वोल्टेज प्रेजेंट है और ये साइड भी वोल्टेज आना चाहिए। देखिए ये साइड भी वोल्टेज है, तो दोस्तों ये प्राइमरी साइड है और ये सेकेंडरी साइड पर वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सेकेंडरी साइड ये जो आउटपुट ट्रांजिस्टर का बेस पिन का साथ कनेक्शन है, ठीक है। तो अभी क्या सिम्टम देखिए स्क्रीन का अंदर, देखिए जो वर्टिकल आईसी अभी एक पिन ओपन है, इसी तरह सिम्टम आ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए कुछ भी प्रॉब्लम, इसी तरह मान लो वर्टिकल आईसी शॉर्ट नहीं है, ये वर्टिकल आईसी का सिम्टम आपको दिखा रहा हूँ, हो सकता है साउंड आईसी शॉर्ट हो जाएगा, तो साउंड आईसी को भी इस तरह आप आइडेंटिफाई लगा सकते हो। तो देखिए मैं ये सप्लाई को, चैसिस को, सप्लाई को अभी ऑफ कर दिया, ठीक है। ऑफ करने का बाद, ऑफ करने का बाद आपको इसी टाइम जो दिखाना चाहता हूँ कि ये जो एक नंबर पिन है, ये एक नंबर पिन का जो बायसिंग पिन, देखिए यहाँ पर तीनों कनेक्शन है, दो रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक पीएफ है और यहाँ से यहाँ तक जम्पर है। दोस्तों ये जो जम्पर, ये इधर उधर घुमा के, दोस्तों इधर उधर घुमा के ये जो शुरू शुरू फॉइल लाइन है, यहाँ से दोस्तों यहाँ पर आ गया, ठीक है। यहाँ पर आ गया, यहाँ पर दो रेजिस्टेंस है और यहाँ पर ये रेजिस्टेंस के बाद ये आईसी के एक पिन पर चला गया। तो दोस्तों इसका मतलब आईसी से रॉन्ग वोल्ट आएगा, मतलब आईसी शॉर्ट होगा, तो इसी कंडीशन पर भी ये स्टैंड बाई मोड पर चला जाता है, ये भी हो सकता है। और ये जो जम्पर लाइन है, ये तो आईसी का साइट है, ये जो जम्पर लाइन ये आईसी का साइट है, बट यहाँ पर एक कैपेसिटर है और यहाँ पर दो रेजिस्टेंस है, ये दो रेजिस्टेंस थोड़ा सा इसका अंदर कुछ सर्किट है वर्टिकल सेक्शन का। तो दोस्तों आपको जो आइडिया लगाना पड़ेगा कि ये आईसी सेक्शन का अंदर शॉर्ट है कि ये जो सेक्शन है ये सेक्शन का अंदर कुछ शॉर्ट है, तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों ये जो जम्पर है, ये जम्पर को मैं एक बार ओपन करूंगा, ठीक है। ये जम्पर जो आईसी का साइड चला गया, ये जम्पर को ओपन करूंगा, ओपन करके देखूंगा। चलिए मैं आपका सामने प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। फर्स्ट आपको कंफर्म होना चाहिए कि कौन पॉइंट का, कौन पोजीशन का प्रॉब्लम है। तो ये आईसी का साइड जो जम्पर है, जो आईसी से सिग्नल आता है, जो वर्टिकल सिग्नल, तो ये लाइन का ये जम्पर है। तो दोस्तों ये ब्रांडेड चैसिस है, चाइना पीसीबी, बहुत सिंपल सा सर्किट है। तो दोस्तों चलिए मैं ये जम्पर को अभी ओपन कर दिया, ठीक है। फॉइल लाइन के साथ टच नहीं होना चाहिए, पूरा लाइन ओपन होना चाहिए, ठीक है। ये ओपन कर दिया, ओपन करने के बाद ये जो एक नंबर पिन को मैं ओपन करके आपको दिखाया, अभी एक नंबर पिन को शॉर्ट कर देता हूँ, ठीक है। शॉर्ट करने के बाद क्या हो गया कि ये आईसी का साइड, ये जो सिग्नल लाइन, ये अभी ओपन है, ठीक है, और ये सर्किट कनेक्शन है, फिर भी स्टैंड बाई मोड पर चला जाएगा तो ये सर्किट को दिखना पड़ेगा। चलिए मैं सप्लाई देके एक बार देखता हूँ और मीटर पर भी आप फॉलो कर सकते हो। तो दोस्तों सप्लाई दे दिया, फर्स्ट देखना पड़ेगा यहाँ पर सप्लाई वोल्ट प्रेजेंट है कि नहीं। तो दोस्तों देखिए इसका सप्लाई वोल्ट प्रेजेंट है, 17 वोल्ट आ रहा है, ठीक है, 17 वोल्ट आ रहा है।
और आईसी पिन पर कितना होल, देखिए 2.4 होल, इसी तरह वोल्ट आ रहा है, मतलब ये सेक्शन ओके है। और आईसी ये लाइन का अंदर जब मैं ये कनेक्शन कर देता हूँ तो स्टैंड बाई मोड पर चला जाता है। तो सिम्टम को अच्छा करके देखिए, फिर भी ये स्टैंड बाई मोड पर नहीं जा रहा है। और स्क्रीन का अंदर देखिए सेमी इसी तरह हॉरिजेंटल लाइन है, और ये जो वर्टिकल आईसी है यहाँ पर अभी सिग्नल मिसिंग है, ठीक है, क्योंकि ये सिग्नल लाइन में ओपन कर दिया। तो यहाँ पर टच करके देखने के बाद स्क्रीन पर पता चल जाएगा, देखिए स्क्रीन है, और यहाँ पर मैं टच करके दिखाता हूँ, देखिए ये जंप कर रहा है, मतलब यहाँ पर सिग्नल अभी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है, ये जो लाइन या आईसी से जो वोल्टेज निकल रहा है, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, यहाँ पर छोटा छोटा दो एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये भी एक बार चेक करके देखना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर छोटा छोटा दो एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी चेक करके देखना पड़ेगा दोस्त। यहाँ पर वोल्टेज 2.4 है, और यहाँ पर जो वोल्टेज ये 1.6 है, ठीक है। और यहाँ पर ही ये जो लाइन है, ये जो जम्पर को मैं ओपन किया, कौन पोजीशन पर मैं ओपन किया, चलिए ये जो पोजीशन है, यहाँ पर मैं ओपन किया, ये जो पोजीशन है अभी यहाँ पर 2.4 वोल्ट है, ठीक है। और देखिए जब मैं अभी स्क्रीन पर लाइट देखिए, और इसको मैं शॉर्ट कर देता हूँ, ये जो फॉइल लाइन को ओपन किया है, देखिए मैं शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट करने के बाद दोस्तों ये लाइन को मैं शॉर्ट किया, चलिए फिर भी आपको अच्छा करके दिखाता हूँ, ये लाइन को शॉर्ट किया, देखिए दोस्तों फिर भी स्टैंड बाई मोड पर चला गया, अब देख सकते हो स्टैंड बाई मोड पर चला गया। तो चलिए ये लाइन को फिर भी मैं छोड़ देता हूँ, छोड़ने के बाद एक बार देखता हूँ कि यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। तो दोस्तों अभी यहाँ पर वोल्टेज देखिए गायब हो गया, मतलब फिर भी स्टैंड बाई से ऑन करना पड़ेगा। चलिए मैं यहाँ पर जो बॉटम स्विच है, बॉटम स्विच पुश किया, और देखना पड़ेगा कि यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। दोस्तों फिर भी देखिए यहाँ पर वोल्टेज आ गया, और स्क्रीन देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ गया, मतलब दोस्तों ये जो प्रोटेक्शन मोड में चला जा रहा है, तो इसका जो मेन प्रॉब्लम है ये जो मेन प्रोसेसर आईसी, ठीक है। तो चलिए मैं सप्लाई ऑफ करके आपको थोड़ा सा ये पीसीबी का इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, कि देखिए ये जो चैसिस है, ये चैसिस का अंदर आप देख सकते हो इसका जो ESD नंबर यहाँ पर है, इसका ESD नंबर, और ये STR पावर सप्लाई है, और इसका मेन प्रोसेसर IC नंबर, चलिए एक बार आप देख लीजिए, देखिए LA76931ADE75V9, ठीक है। तो ये इसका प्रोसेसर IC है, तो अब देख सकते हो ये न्यू वर्टिकल IC लगा के भी आपको नहीं देखा है तो, बट ये IC लगा के भी एक बार चेक किया। अभी दोस्तों आपको और क्लियर करके दिखाना चाहता हूँ कि IC खराब है कि नहीं, और आप परफेक्ट 100% कन्फर्म हो सकते हो। तो इसीलिए दोस्तों मैं क्या किया, देखिए ये जो IC से वर्टिकल IC का जो एक नंबर पिन है, यहाँ से जो लाइन जा रहा है, ये जो जम्पर है, ये जम्पर ओपन करके आपको देखा, बट ये जम्पर का लाइन यहाँ से घुमा के इधर आ गया, और ये जो फॉइल लाइन आ रहा है यहाँ से दोस्तों, ये जो पॉइंट है यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ पर दो रेजिस्टेंस है, दो रेजिस्टेंस के बाद ये जो पॉइंट है ये डायरेक्ट ये IC का ई पिन का साथ कनेक्शन है, ठीक है। आप फॉइल लाइन चेक करके देख सकते हो, तो ये जो पिन का साथ कनेक्शन है, ये IC का ओनली जो IC पिन है, ये पिन को मैं ओपन कर दिया, ठीक है, आप देख सकते हो। चलिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए IC का ये जो पिन है, ये पिन को मैं ओपन कर दिया, आप अच्छा करके देखिए, ओनली ये जो वर्टिकल आउटपुट मतलब भी आउट जो ये जो पिन है, ये पिन को मैं ओपन कर दिया। तो ये जो पिन है ये रेजिस्टेंस के साथ कनेक्शन है, और ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पर आ रहा है, ठीक है,
ये जो लाइन घुमा के ये जो लाइन है ठीक है, ये जो लाइन है ये लाइन घुमा के, ये जो लाइन है ये घुमा के, तो दोस्तों यहाँ पर आ रहा है। तो ऐसे पिन ओपन करने का बाद तो दोस्तों ये जो पॉइंट है इसको मैं सोल्डरिंग कर दिया। अभी मैं आपको सप्लाई देके दिखाना चाहता हूँ कि देखिए, चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। देखिए मैं सप्लाई दे दिया, सप्लाई देने के बाद तो दोस्तों स्क्रीन पर आप देख सकते हो कि देखिए ये देखिए इसी तरह लाइन आ रहा है, मतलब वर्टिकल सिग्नल अभी नहीं आ रहा है। और वर्टिकल ऐसे का ये जो एक नंबर पिन है यहाँ पर टच करने के बाद आप देख सकते हो ये बिल्कुल जंप कर रहा है ठीक है। तो दोस्तों जब मैं ये जो आईसी का मेन प्रोसेसर आईसी का जो वी आउट सिग्नल लाइन को मैं ज्वाइन कर देता हूँ, करने का साथ साथ ये प्रोटेक्शन मोड पर चला जाता है, मतलब ये जो आईसी का इंटरनल सर्किट है ये शॉर्ट हो गया। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली ये जो पॉइंट है इसको मैं ज्वाइन करके स्क्रीन पर दिखाता हूँ। देखिए ये भी स्टैंड बाई मोड पर चला जाएगा। देखिए मैं ये जो पॉइंट है इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ ठीक है। जब मैं ज्वाइन कर दिया आप स्क्रीन पर देख सकते हो ये स्टैंड बाई मोड पर चला गया ठीक है, स्टैंड बाई मोड पर चला गया ये पिन को मैं जब ज्वाइन कर दिया। दोस्तों इसीलिए अब देख सकते हो अभी देखिए ये ज्वाइन को मैं हटा दिया फिर भी स्टैंड बाई मोड पर चला गया ठीक है, स्टैंड बाई से ऑन नहीं हो रहा है। तो चलिए दोबारा स्टैंड बाई से ऑन करके आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जो पॉइंट है जो बॉटम स्विच है, बॉटम स्विच को मैं पुश किया और जो से दबाना पड़ेगा, दबाने के बाद आप स्क्रीन पर देख सकते हो अभी लाइट नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। तो मैं फिर भी बॉटम दबाया, ये बॉटम बहुत दिन से ये पड़ा हुआ किट है तो इसलिए दोस्तों अलग सा बॉटम दबा के मैं इसको ऑन किया, आप देख सकते हो। तो दोस्तों फाइनली ये आईसी को चेंज करना पड़ेगा। चलिए मैं सप्लाई ऑफ कर देता हूँ। दोस्तों ये आईसी मेरा पास अभी नहीं है तो जब आईसी आएगा मैं आईसी लगा के आरक्षक वीडियो बना दूंगा। थैंक यू दोस्तों वीडियो फुल वॉच करने के लिए।